नमस्कार दोस्तों, मिशन कलेक्टर के इस क्लास में आज मैं मध्यवर्गीय महिलाओं पर, कामकाजी महिलाओं पर पितृतंत्र का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, यह आईएएस 2014 का एक सवाल पूछा गया है, जिस सवाल का एक अच्छा आदर्श उत्तर क्या हो सकता है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से और कुछ अन्य आयामों के माध्यम से आपकी फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है, उस तैयारी की दिशा को, उसके अप्रोच को ठीक करने का प्रयास, या उसमें आप कुछ और सीख सके, कुछ बेहतर कर सके, ये प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर 2014 के एक क्वेश्चन को आप देखें कि भारत में एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है। हाउ डज द पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। इस सवाल में विद्यार्थी को एक तो ये समझना होगा कि मध्यवर्गीय कामकाजी महिला से आशय क्या है, और दूसरा पितृतंत्र क्या है, और पितृतंत्र पैट्रियार्की एक महिला और विशेष तौर पर एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला को किस प्रकार प्रभावित करता है। जब आप महिला और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, इन सब का एक इन सब पर समझ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि हम जब मध्य वर्ग की बात करते हैं तो मध्य वर्ग की बात आय के आधार पर की जा सकती है, पेशे के आधार पर की जा सकती है, और सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी की जा सकती है। जब हम मध्य वर्ग की बात करते हैं तो उसका सामान्य सा आशय होता है कि जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग न हो। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग किस आधार पर? जाहिर सी बात है कि इनकम के आधार पर। और जैसे आप फ्लैट्स वगैरह में देखते होंगे कि ये LIG का फ्लैट है, ये MIG है, ये HIG है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, और ये एक हायर इनकम ग्रुप के लिए है। तो जब हम मध्य वर्ग की बात करते हैं तो मध्य वर्ग को अगर हम लोग इनकम के आधार पर देखें तो यह आमतौर पर वह वर्ग होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, जो वास्तव में वेतन से पैसा प्राप्त करता है, संगठित क्षेत्र में लगा होता है। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि भारत जैसे देशों में जहाँ पर 1.5 लाख के ऊपर आय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना और अधिक होने पर आयकर भरना जरूरी है, तो 1.5 लाख से नीचे की आय वाले लोग जो है उनको हम ये कह सकते हैं कि वे निम्न वर्ग हैं, और उनसे ऊपर के जो लोग हैं वे मध्य वर्ग हैं, उनसे जो ऊपर हैं वे उच्च वर्ग हैं। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करें, अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और सामान्यकृत करें, तो जो लेबर क्लास है वो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है वो मिडिल क्लास है, और जो हायर क्लास है वो रूलिंग क्लास है। हम ये भी कह सकते हैं कि रूलिंग क्लास, वर्किंग क्लास, और इसके साथ ही लेबर क्लास। जो आय है उस आय में एक तरीका होता है कि मजदूरी से अर्जित आय, वेज से अर्जित आय, और दूसरा तरीका यह होता है कि वेतन से, निश्चित वेतन से आय जो है वह अर्जित हो रही है। तो जो कामकाजी है वो मजदूर वर्ग से थोड़ा भिन्न है, और इसके साथ ही मध्य वर्ग को हम केवल इनकम के अलावा नहीं बल्कि हम पेशे और सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पेशा देखें तो जो मैनुअल वर्क से डिफरेंट है, जो ब्लू कॉलर जॉब अर्थात जो मैनुअल वर्क या जो शारीरिक श्रम करता है उसे ब्लू कॉलर जॉब वर्क कहते हैं, और जो मानसिक कार्य करता है उसको व्हाइट कॉलर, लिखने पढ़ने का या उससे जुड़ा हुआ जो मतलब गैर शारीरिक श्रम करता है व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो हम ये पाएंगे कि आमतौर पर मध्य वर्ग जो है वह लेबर क्लास से, लोअर क्लास से डिफरेंट है, और वह ब्लू कॉलर जॉब में न होकर बल्कि व्हाइट कॉलर जॉब में है। अगर हम लोग सामाजिक प्रवृत्तियों की बात करें तो भारत के एक बहुत जाने माने
विद्वान रहे पवन कुमार वर्मा, उन्होंने किताब लिखी मध्यवर्ग ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। तो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास में उन्होंने सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर मध्य वर्ग की शिनाख्त की। उन्होंने कहा कि मैं संख्यात्मक आधार पर नहीं बल्कि मैं प्रवृत्तियों के आधार पर, पेशों के आधार पर आजाद भारत में ब्रिटिश भारत से जो धीरे धीरे एक मध्य वर्ग विकसित होता है उसके बारे में बात करूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा और समझें तो मिडिल क्लास का यहाँ पर जो मतलब होगा, कामकाजी मध्यवर्गीय महिला का जो मतलब होगा वह होगा कि जो घरेलू महिला, महिला किसान और इसके साथ ही महिला मजदूर, इन तीनों से भिन्न हो। और कामकाजी मध्यवर्गीय जो महिला है वो क्लर्क हो सकती है, अध्यापक हो सकती है, एयर होस्टेस हो सकती है, वकील हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, सिविल सेवक हो सकती है। तो मोटे तौर पर कामकाजी मध्यवर्गीय महिला से ये आशय है कि जो घरेलू महिला, किसान महिला, मजदूर महिला, ये महिला किसान और महिला मजदूर ये निम्न वर्ग में आएंगे, जबकि घरेलू महिला जो है वह मध्य वर्ग में भी हो सकती है और काम निम्न वर्ग में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें मध्यवर्गीय कामकाजी महिला के बारे में बात करनी है तो जो घरेलू महिला, महिला किसान, महिला मजदूर से भिन्न है, जो क्लर्क, अध्यापक, एयर होस्टेस, वकील, डॉक्टर, सिविल सेवा के पेशे में है वह मध्यवर्गीय कामकाजी महिला है। अब एक दूसरा यहाँ पर टर्म है पितृतंत्र। तो देखिए पितृतंत्र शब्द जो है वह दो प्रमुख अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मीनिंग है उसकी, वर्णनात्मक अर्थ है, और वर्णनात्मक अर्थ में पितृतंत्र या पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। दक्षिण एशियाई समाजों में दो प्रकार की वंश व्यवस्थाएं हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। तो जो पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्था है वह मातृसत्तात्मक वंश व्यवस्था से भिन्न होती है। दरअसल पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्थाओं में तीन ऐसी खासियत होती है जिस खासियत की वजह से वे मातृसत्तात्मक से भिन्न होती हैं। पहला, पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्था में पुत्र और पुत्री दोनों की पहचान पिता से होती है। पुत्र को दरअसल वंश का अस्थाई सदस्य माना जाता है, जबकि पुत्री को विवाह के बाद दूसरे परिवार में चले जाने के कारण, चले जाने से उसे अस्थाई सदस्य माना जाता है, अस्थाई सदस्य माना जाता है। इस तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो पुत्र और पुत्री हैं उन दोनों की पहचान पिता से होती है, और पुत्र को वंश व्यवस्था या परिवार के अस्थाई सदस्य के रूप में माना जाता है, जबकि पुत्री को अस्थाई सदस्य के रूप में माना जाता है। विवाह के बाद उनके जो जैविक माता पिता हैं उनसे केवल भरण पोषण की सामान्य तौर पर हिंदू जो व्यवस्था है उसमें नाता माना जाता है। दूसरी तरफ जो उत्तराधिकार होता है तो उत्तराधिकार के कानूनों में हालांकि परिवर्तन किए गए हैं और लड़कियों को भी अब उत्तराधिकार के तहत संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है या जो मूल्य हैं उन मूल्यों में अभी भी जो चलन है वह यह है कि उत्तराधिकार की संपत्ति में पुत्र को ही स्थान प्राप्त होता है। और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें पिता के पक्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं से संयुक्त परिवार बनता है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में माँ के पक्ष के जो लोग होते हैं उनसे दरअसल जो संयुक्त परिवार है वह संयुक्त परिवार बनता है। तो पहचान, उत्तराधिकार और परिवार, तीनों में पिता, पुरुष, इन सब को क्या है, इन सब को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो एक परिणाम होता है, जो इसका मूल्यांकन परक पक्ष उभरता है वह यह है कि यह दरअसल पुरुष प्रभुत्व एवं महिला अधीनता की व्यवस्था है। प्रख्यात समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे ने अपनी किताब भारतीय समाज में पैट्रियार्की को मेल डोमिनेंस और फीमेल सबॉर्डिनेशन या सब्जेक्शन की एक व्यवस्था के रूप में देखा है। अगर हम लोग थोड़ा इसको और समझें तो इसका मतलब ये है कि पितृतंत्र पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्था की एक वर्णनात्मक स्थिति है जिसमें पिता, पुरुष,
को प्रधानता है, और अगर इसके हम मूल्यांकन पक्ष को देखें, जो इसका दूसरा पक्ष है, तो इससे महिला अधीनता की एक स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत से नारीवादी विचारकों का यह मानना है कि चाहे समाज में लैंगिक विभाजन जो मिलता है, जो सार्वजनिक निजी का जो विभाजन हमें दिखाई पड़ता है कि घर के काम, घर के भीतर के काम औरतों के काम हैं, घर के बाहर के जो काम हैं वे पुरुषों के काम हैं, इस तरह का जो लैंगिक विभाजन जो मिलता है, उसमें जो भेदभाव दिखाई पड़ता है, वह सब कुछ पितृतंत्र की वजह से है, पैट्रियार्की की वजह से है। और दरअसल आप ऐसे समझें कि अगर लड़की को परिवार में पराई संपत्ति के रूप में देखा जाएगा, अस्थाई सदस्य के रूप में देखा जाएगा, तो उसके प्रति मूल्य भेदभाव, मूल्य व्यवहार वो लड़कों से भिन्न होने का एक औचित्य लोग विकसित कर लेंगे। और इसलिए बहुत से नारीवादी चिंतकों का ये कहना है कि दरअसल पितृतंत्र जो है, यह महिला अधीनता, स्त्री पुरुष भेदभाव, स्त्री पुरुष के बीच में अंतर और भेदभाव, इन सब के लिए क्या है, जिम्मेदार है। यहां पर हमारा जो प्रश्न है वह यह है कि पितृतंत्र जो कामकाजी मध्यवर्गीय महिला है, उस कामकाजी मध्यवर्गीय महिला को किस प्रकार प्रभावित करता है। यहां अगर हम देखें तो ये पूछा जा रहा है कि एक खास किस्म की वंश व्यवस्था एक वर्किंग मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन को किस प्रकार प्रभावित करती है। हम इसे 5-6 बिंदुओं के संदर्भ में देख सकते हैं। ये जो 5-6 बिंदु हैं, उन 5-6 बिंदुओं में हम लोग देख सकते हैं कि रोजगार के चुनाव के मामले में भी पितृतंत्र का प्रभाव होता है। कामकाजी मध्यवर्गीय महिला की अगर हम बात करें, वह एक खास किस्म का रोजगार अपने लिए सेलेक्ट करती है, इसके पीछे भी पैट्रियार्की की भूमिका होती है। पुरुष के मामले में देखा जाता है कि अकेले शिक्षा या योग्यता उसके करियर, उसकी सफलता का पैमाना होती है, लेकिन पितृतंत्र की वजह से अकेले शिक्षा या योग्यता महिला की सफलता की पैमाना नहीं बन पाती है। कामकाजी मध्यवर्गीय महिलाओं को और सभी महिलाओं को जो बाहर भी काम करती हैं, चाहे वो मध्यवर्गीय हों या निम्न वर्गीय हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, कई बार या ज्यादातर स्थितियों में भूमिका संघर्ष का, रोल कन्फ्लिक्ट का एक सामना करना पड़ता है। उन्हें पुरुष सहकर्मियों के विद्वेष या हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। उनके ऊपर कई बार मर्दाना होने का आरोप भी लगाया जाता है, और उनके आय में, उनके वास्तव में संपत्ति में भी एक भेदभाव की जो स्थिति दिखाई पड़ती है, उसके पीछे भी पितृतंत्र का प्रभाव है। तो रोजगार के चुनाव में, एक खास किस्म के रोजगार के वास्तव में व्हाइट कॉलर जॉब के एक विशेष प्रकारों को सेलेक्ट करने के संदर्भ में, पुरुषों से अकेले शिक्षा या योग्यता को सफलता का पैमाना नहीं माने जाने के संदर्भ में, भूमिका संघर्ष के संदर्भ में, पुरुष सहकर्मियों के विद्वेष या हिंसा के संदर्भ में, मर्दाना जो वास्तव में जो आरोप है उस आरोप के संदर्भ में, और आय के भेदभाव के संदर्भ में पैट्रियार्की जो है मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर पहले पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर इलोबरेट करें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। दरअसल पुरुष प्रधानता की व्यवस्था की वजह से महिला को परिवार के भीतर की जिम्मेदारियां निभाना आवश्यक समझा जाता है, इसीलिए पितृतंत्र की वजह से एक कामकाजी मध्यवर्गीय महिला जब रोजगार का चुनाव करती है तो वह नौकरी ऐसे रोजगार का चुनाव करती है जिसके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया जा सके। और यही कारण है कि टीचर, नर्स, बैंक क्लर्क, बैंक की नौकरी, इन सब नौकरियों को एक महिला के लिए, कामकाजी महिला के लिए, कामकाजी मध्यवर्गीय महिला के लिए सबसे उपयुक्त नौकरी माना जाता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो व्हाइट कॉलर जॉब या जो श्वेत वशन कार्य महिला के द्वारा चुने भी जाते हैं, उसमें भी वो कई फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। एक फैक्टर तो ये है कि वो नौकरी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एक और फैक्टर है, या कई और फैक्टर हैं कि कार्य में यात्रा
कितनी है। जैसे आप देखेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कार्य में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग शहरों में या एक ही शहर में अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर जो दवाइयां होती, जो मेडिसिंस होती है, उनके वास्तव में सेल्स के लिए एक काम करना पड़ता है। और बहुत सारे परिवारों में एयर होस्टेस बनने की इजाजत अन्य कारकों के साथ साथ इसलिए भी नहीं दी जाती है क्योंकि कार्य में यात्रा करनी है। दूसरा, पुरुषों से संपर्क की मात्रा। जो काम ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं का पुरुषों से लगातार संपर्क होता है, कई बार परिवार ऐसे कार्यों को महिलाओं के संदर्भ में इजाजत नहीं देते और महिलाएं भी ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि बियर बार में महिलाओं की संख्या आप ये कह सकते हैं कि सर्विस गर्ल या सर्विस विमेन के रूप में बहुत कम मिलेगी। इसमें पुरुषों के आक्रामक व्यवहार, कामुक व्यवहार, हिंसक व्यवहार, पुरुष प्रधानता की प्रवृत्ति का एक कारण तो है, एक कारण है ही, लेकिन इसे भी हमें पितृसत्ता के प्रभाव के रूप में देखना पड़ेगा। और जेसिका लाल हत्याकांड के बाद तो NCR और दूसरे जो रीजन्स हैं या पूरे भारत में आप ये देखेंगे कि लोगों में सोच सोच कर यह सिहरन होने लगी कि जेसिका एक जो बियर बार में काम करती थी उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दिया गया था क्योंकि उसने 12 बजे रात को बियर बार की जो दुकान, बियर बार जो था वो बंद हो रहा था और उसने सर्विस देने से या बार परोसने से, बियर परोसने से मना कर दिया था। इसके साथ ही कई बार आप ये देखेंगे कि महिलाएं अपने रोजगार के चुनाव में, काम के चुनाव में इस बात को भी देखती है कि क्या वे परिवार के लिए अतिरिक्त पैसा अर्जित कर पाएंगी। महिलाएं अपने कार्य के चुनाव में शायद ही इस बात को देख पाती है कि वे अपने लिए, स्वयं अपने लिए अतिरिक्त पैसा अर्जित कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। और मुंबई बार डांसर्स की अगर आप डिफरेंट कहानियों को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से कई ऐसी थी जो अपने परिवार का पालन पोषण नाच कर कर रही थी, बार में डांस करके कर रही थी। तो व्हाइट कॉलर जॉब के भी सिलेक्शन में परिवार के लिए अतिरिक्त पैसा, पुरुषों से संपर्क की मात्रा ज़्यादा होना, कम होना, कार्य में यात्रा का होना, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही क्या कभी आपने यह ऑब्जर्व किया कि IPL में जो चीयर गर्ल्स होती हैं, जो बाउंड्रीज के लगने के बाद या विकेट गिरने के बाद जो चीयर करती हैं, उनमें से बहुत कम भारत की होती हैं, या मेरे ऑब्जर्वेशन में तो न के बराबर भारत की होती हैं। दरअसल जो काम भारत में पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित नहीं होगा, वहां पर महिलाओं को, महिलाएं काम करती हुई आपको बहुत कम मिलेंगी। तो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, जैसे आप देखेंगे कि वेश्यावृत्ति जो है इसीलिए समाज से बहुत अलग और बहिष्कृत रूप में भी क्या है, देखी जाती है। तो रोजगार के चुनाव में पहला यहाँ पर रीजन है कि वे ऐसे रोजगार का चुनाव करती हैं जिससे पारिवारिक भूमिकाओं का निर्वहन कर सकें। वे व्हाइट कॉलर जॉब को सिलेक्ट करने में कार्य में मात्रा, पुरुषों से संपर्क की मात्रा, परिवार के लिए अतिरिक्त पैसा, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब कारकों को ध्यान में रखती हैं। तीसरी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि एक महिला अपनी अकेली शिक्षा या योग्यता के बल पर सफल हो पाएगी ये जरूरी नहीं है, पुरुष के संदर्भ में ये हो सकता है। दरअसल किसी महिला का कैरियर की सफलता उसके पारिवारिक समर्थन हासिल करने या प्राप्त करने और रिश्तेदारों के सहयोग से भी जुड़ा होता है, और ऐसा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संदर्भ में है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ ने कहा था कि अगर उनके पति का सहयोग नहीं होता तो वे यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो बहुत उच्च स्तर पर भी जो महिलाएं पहुँची हैं, आप ये पाएंगे कि उसके पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक समर्थन रहा है, रिश्तेदारों का सहयोग रहा है। लेकिन यहाँ इससे एक ये भी बात निकलती है कि किसी महिला की अकेली उसकी शिक्षा या उसका योग्यता, उसके करियर, उसकी सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात। चौथी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि पितृतंत्र जो है कामकाजी मध्यवर्गीय महिला के जीवन में भूमिका संघर्ष उत्पन्न करता है।
दरअसल महिला को दोहरे बोझ को संभालना होता है, वह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बोझ को संभालती है, उसे घर की जिम्मेदारियों से कभी भी मुक्त नहीं किया जाता, और पेशेवर जीवन या सार्वजनिक जीवन में भी जो वर्किंग वुमेन है उसे जो काम करने हैं 10 से 5 या उसकी कोई भी शिफ्ट हो उसमें वो काम उसे करना ही है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये कहा जाता है कि भारत में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, अगर हम NSSO के आंकड़े के आधार पर बात करें तो अपेक्षाकृत कम है, 25.8 है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, 25.8 है। और इसमें ये कहा जाता है कि पिछले, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे NSSO के, तो पिछले कुछ वर्षों में जो मैरिज विवाहित जो महिलाएं रही हैं उन्होंने विवाह के बाद काम करना अगर उन्हें काम कुछ मिला हुआ भी है तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहा जाता है, अंग्रेजी में एक बात कही जाती है कि मैरिज पेनल्टी ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये प्रवृत्ति कही जाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर मैरिज पेनल्टी लग जाती है। और इसीलिए आप एक देखेंगे प्रवृत्ति की अविवाहित लड़कियों के काम करने की दर अपेक्षाकृत भारत के विभिन्न शहरों में आपको ज़्यादा मिलेगी। विवाहित महिलाओं के संदर्भ में ये जो आंकड़े बताते हैं वो कम हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं दोहरे बोझ को संभालने का दबाव भी है और पारिवारिक अपेक्षाएं भी हैं, पितृसत्तात्मक अपेक्षाएं भी हैं कि महिला को जो है 10 से 5 काम करने के बाद भी घर आकर जो उसकी किचन से संबंधित जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को भी संभालना है, और अगर घर में कोई गेस्ट आ गया है तो उस गेस्ट का स्वागत भी करना है, और 10 से 5 एक वर्किंग वुमेन को काम करने के बाद अगर किसी पार्टी में अपने पति के साथ या अपने परिवार वालों के साथ जाना है तो वहाँ पर काम के सारे थकान को और दबाव को तनाव को भूलते हुए उसे बिल्कुल सज सवर कर एक अच्छे वास्तव में पत्नी के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में दिखते हुए भी अपने आप को मौजूद कराना है। और ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया के वर्किंग वुमेन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव उत्पन्न कर रही हैं। अमेरिका जैसे देशों में 90 के दशक के बाद एक रिवर्स ट्रेंड देखने में आया, वर्किंग वुमेन जो थी उन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ को छोड़कर वे फैमिली लाइफ में लौटने की प्रवृत्तियां उनमें दिखाई पड़ने लगी, और भारत में भी आंकड़े ये बात इस बात को दिखा रहे। तो भूमिका संघर्ष होता है, और इस भूमिका संघर्ष की वजह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों, जैसे एक होता है कि परिवार के दबाव की वजह से किसी विवाहित महिला ने अपने काम को छोड़ दिया, अपने नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन अगर स्वेच्छा से वह नौकरी को छोड़ रही है तो वहां 2 स्थितियां हो सकती है, या तो वह कुर्बानी कर रही है परिवार के लिए, या फिर ऐसा है कि वह दोहरे बोझ को संभाल नहीं पा रही है। तो भूमिका संघर्ष भी एक कारण है। इसके साथ ही पितृतंत्र के वजह से पुरुष सहकर्मियों का जो विद्वेष है वह विद्वेष का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। और मुझे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट याद है, अखबारों में पढ़ा था मैंने कि इंदिरा नूई जब पेप्सिको की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी तो उनके 2 कलीग्स जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे और इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं है कि अपनी महिला बॉस के साथ कैसे पेश आना है। तो ये जो सहकर्मियों का विद्वेष है इस विद्वेष का भी सामना करना पड़ता है, और कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न है, जो इसके साथ ही वायलेंस अगेंस्ट विमेन, इनके संदर्भ में भी एक इजाफे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जो रेट ऑफ क्राइम है अगेंस्ट विमेन वो काफ़ी बढ़ा है। 2012 में NCRB के आंकड़े के अनुसार रेट ऑफ क्राइम 41.7% था, जो बढ़कर 2016 में 55.2% हो गया। घर के बाहर महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके लिए हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, घर के भीतर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं जिसको हम घरेलू हिंसा के संदर्भ में कह सकते हैं,
और ये आंकड़े भी बहुत चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में, जैसे चौथे राउंड का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अनुसार 2015-16 में 31.1% महिलाओं को स्पाइजल वायलेंस का सामना करना पड़ा, हालांकि 2005-06 में ये 37% था। तो प्रतिशतता घटी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ क्राइम बढ़ा है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि फैमिली के भीतर जो वायलेंस होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, स्पाइजल वायलेंस होता है, वो घटा है। इसका कहीं कारण हो सकता है कि प्राइवेट लाइफ के स्फीयर में जो हिंसा है वह घटी है, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर हिंसा बढ़ी है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अलावा जो सेक्सुअल हरेसमेंट को पब्लिक प्लेसेस पर रोकने के लिए भारत में कानून बनाना पड़ा, इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है उसमें एक प्रतिक्रिया भी है। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ने के बाद पुरुषों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी आई। इसलिए पाम राजपूत पैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक बैकलैश भी है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में, एक प्रतिक्रिया भी है। तो यहाँ पर यह भी एक पितृसत्ता के संदर्भ में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इसके साथ ही महिलाओं के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है अगर वे सफल हो गई सार्वजनिक जीवन में, कामकाजी महिला के रूप में अगर वे उच्च पद को प्राप्त कर लेती हैं, तो कई बार उन्हें गैर पारिवारिक और मर्दाना होने का आरोप भी लगाया जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा की। तो पितृतंत्र जो है सफलता के बाद भी छोड़ता नहीं है। और इसके अलावा जो है इनकम में एक भेदभाव दिखाई पड़ता है, और वो हर स्तर पर दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, और इसके साथ ही हमारे यहाँ समान पारिश्रमिक अधिनियम भी 1948 से बना लिया गया है। लेकिन पीरियाडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है 2018 में उसकी जो रिपोर्ट आई, और आपको पता होगा कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से ही शुरू हुआ है, उसने एक चौंकाने वाली बात कही है जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में आप देख सकते हैं कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में एक महिला की जो इनकम होती है वो कम होती है। हालांकि बराबरी की बात कही गई है, और ये कमी जो है रोजगार और स्वरोजगार दोनों मामलों में है। रोजगार के मामले में एक महिला वैतनिक जो है कामगार या कामकाजी महिला को 1.2-1.3% जो है वो पुरुष की तुलना में कम मिलता है, पुरुषों को इतना अधिक मिलता है। और स्वरोजगार के मामले में पुरुष स्वरोजगारों की तुलना में महिला स्वरोजगारों को की जो आय है वो दोगुना है। तो आय में भी क्या है भेदभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कामकाजी जो कामकाजी मध्यवर्गीय जो महिला है उसे पितृतंत्र जो है वह उसकी अवस्थिति को पितृतंत्र जो है वह कई तरीकों से प्रभावित करता है। पहला, रोजगार के चयन में महिलाएं ऐसे रोजगार को वरीयता देती हैं जिसके साथ पारिवारिक भूमिकाओं का निर्वहन किया जा सके। दूसरी बात यहाँ पर ये कि वे व्हाइट कॉलर जॉब में भी एक खास किस्म के व्हाइट कॉलर जॉब को और डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पर सिलेक्ट करती हैं कि यात्रा की मात्रा कितनी है, यहाँ पर परिवार से कितना दूर रहना पड़ेगा या कितना दूर जाना पड़ेगा। पर यात्रा की मात्रा के अलावा यहाँ पर आप ये पाएंगे कि पुरुषों से संपर्क की मात्रा कितनी है, इसके अलावा पारिवारिक आय में कुछ वृद्धि होगी कि नहीं होगी। व्यक्तिगत आय का मुद्दा नहीं, पारिवारिक परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब को आधार क्या है बनाया जाता है। फिर इसके साथ ही भूमिका संघर्ष की भी स्थिति का सामना करना पड़ता है, भूमिका संघर्ष की स्थिति, और इस स्थिति की वजह से भी महिलाएं कई बार बहुत इच्छुक नहीं रहती हैं।
उन्हें सार्वजनिक जीवन में पुरुष सहकर्मियों के विद्वेष का भी सामना करना पड़ता है, और ये कहा जाता है कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा बढ़ी है, उस हिंसा बढ़ने का एक कारण जो है, यहाँ पर एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि कामकाजी महिलाओं की जो संख्या है वह संख्या क्या है, बढ़ी है, और उन पर उनके ऊपर गैर पारिवारिक या मर्दाना होने के आरोप भी लगाए जाते हैं सफल होने पर। आय में भी क्या है, भेदभाव दिखाई पड़ता है, आय प्राप्त करने में भी उनमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। तो ये मैंने एक डायमेंशन आपसे डिस्कस किया। इसी तरह से महिला संबंधी मुद्दों पर जितने प्रश्न पूछे गए हैं आईएएस मुख्य परीक्षा में अब तक, वो मैं सभी आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपनी दिशा को, अपने तैयारी की दिशा को ठीक कर सकें। और ये मेरे बहुत इंटरेस्ट का विषय है, और हम लोग जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इस विषय की जो तैयारी है, या इसमें आप ये देखेंगे 2019 के आईएएस के पेपर को देखेंगे, तो इतिहास और भूगोल की तरह जो है ये खंड भी, जो समाज वाला खंड है, उस खंड से भी जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग उतनी ही है या उससे कुछ अधिक है। इसलिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप तैयार करें। आपका समर्थन, आपका सहयोग हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का कार्य करता है। आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी आप हमसे चाहते हैं कि हम लोग उस पर कुछ आपको कोई ज्ञानात्मक जो है विषय वस्तु प्रदान करें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कि आप ये भी बात समझें कि इस तरह के जो माध्यम हैं ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग इस विश्वास से काम कर रहे हैं, इसलिए आपका जो भी एक समर्थन है वो समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।